इस बिल पे मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बातें की हैं, अपने विचार रखे हैं, अपने सुझाव रखे हैं, उसमें मैं कोई किसी की आलोचना करना नहीं चाहूंगा, न तो कोई टीका टिप्पणी करने चाहूंगा, लेकिन ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, न तो मैं आंकड़े देना चाहूंगा, लोकसभा में यस्टरडे ओनली कल 4475 मिस्टर कोटा प्रभाकर रेड्डी ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो आंसर है मैं सिर्फ रिपीट करना चाहूंगा। क्या सरकार के अग्रे समुदायों के गरीब छात्रों की शिक्षा और रोजगार हेतु आरक्षण प्रदान करने की संभावनाओं को तलाश कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? क्या सरकार को अग्रे समुदायों के वर्गों यथा महाराष्ट्र में मराठियों, राजस्थान में राजपूतों और उत्तर प्रदेश में ठाकुरों से अनेक समुदायों के कमजोर सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने संबंधी मांगें प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? यस्टरडे ओनली इन द लोकसभा, और जवाब क्या आ रहा है मंत्री जी का? वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। ये मैं सिर्फ सदन के ध्यान पे लाना चाहता था, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि सरकार का काम करने का क्या तरीका है। इनको पता नहीं दाया हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं है, बाएं हाथ क्या कर रहा है वो दाएं हाथ को पता नहीं।